देख प्रीवियस क्लास रे हमें डिस्कशन करथिले जे स्केलर क्वांटिटी कहा कहा जाए वेक्टर क्वांटिटी कहा को कहा जाए स्केलर रु स्केलर किंबा वेक्टर को चिन्हिया पई कौन सब फॉर्मूला हमें अडॉप्ट करूचे स्केलर क्वांटिटी को किमती हमें जुग करूचे एवं वियोग करूचे सिमती वेक्टर क्वांटिटी किमती हमें जुग किंबा वियोग करूचे तेणु प्रथम केस मुझी जे धरा जाऊा गोटे भेक्टर ता से यहाँ आउ गोटे भेक्टर एका डिरेक्शन एक्ट करे तार रेजल्टेंट के हे ना रेजल्टेंट हम ए प्लस बी ता मैग्नीट्यूड फॉर्मूला लिखले आर इज इक्वल टू ए प्लस बी तेनालीटा जेहेतु भेक्टर ईर लिखुच्छे मुझे लिखी एवं यार डिरेक्शन कड़े हे ना ईस्ट कहीं ईस्ट के हम ना जेकोसी गोटे ग्राफ्र उपरटा नहीं आम नर्थ तलटा नहीं साउथ डाहाटा ईस्ट बाँटा वेस्ट आ मझे गले इन बिटवीन तेणु एटा जेहेतु डाहाण कहे आम लिखुचे ईस्ट ये केस वन रही केस टू रे धर या गोटे भेक्टर एटा गोटे भेक्टर बी तेरे या रेजल्टेंट के हम मुझी एटा हो पारे ए माइनस बी इफ ए ग्रेटर देन बी सेटा भी पारे बी माइनस ए इफ बी ग्रेटर देन एवं सेटा भी हो पारे जीरो इफ ए इज इक्वल टू बी तेणु ए रोबल बेसी हेल्ला पेली दबो तेणु डिरेक्शन हम टुआर्डस ए एटी बी रोबल बेसी हेल्ले बी ए को पेली दबो तेणु एटी डिरेक्शन हम टुआर्डस बी एटी थर्ड केस रो ए इज इक्वल टू बी हेल्ले कई कह रही पेली पारे तेणु एटी डिरेक्शन है आर्बिट्रेरी कारण एटा नल वेक्टर आम कही नल वेक्टर मैग्नीट्यूड जीरो हेले सेटा नल वेक्टर तेणु एटा मुझे वेक्टर फॉर्मूला लिखी स्केलर फॉर्मूला हेले खाली डिरेक्शन गुड़ा उल्टे दिया वर्तमान थर्ड केस यहाँ हूँ सब इम्पोर्टेंट थर्ड फोर्थ फिफ्थ एगुड़ा वर्तमान इम्पोर्टेंट है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स ट्रायंगल लॉ वेक्टर सब डेफिनेशन तुम्हें सब ट्रायंगल लॉ पॉलीगन लॉ कि अलग लॉ जिते मुझी होली टे लक्ष्य कर ट्रायंगल लॉ वेक्टर है इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय द इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दि टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ए ऑर्डर then their resultant will be represented by the थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल से कुछ इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड दीटा भेक्टर चिन्हित होती है किमती
बाय दि टू एडजेसेंट साइड्स दीटा पखापाखी बाहू ऑफ ए ट्रायंगल गोटे त्रिभुजर दीटा पखापाखी बाहू जो दीटा वेक्टर होते टेकन इन ए ऑर्डर गोटे ऑर्डर मानिकी डायरेक्शन होइथिबो देन दे आर रिजल्टेंट तेबे सेई दीटा को मिसेले ता रिजल्ट के आडे हबो ना विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल तेबे त्रिभुजर तृतीय बाहूटा हबो तार उत्तर टेकन इन अपोजिट ऑर्डर तांको डायरेक्शन जे आडे होतो या डायरेक्शन ता तार उल्टा हबो ता माने आमे चित्रर मु ताको रिप्रेजेंट करूछि लक्ष्य कर से कुछ गोटे त्रिभुजर दीटा बाहू जदि दीटा पखापाखि बाहू दीटा भेक्टर होते मैंने धर एटा गोटे भेक्टर एटा गोटे भेक्टर दीटा पखापाखि बाहू दीटा भेक्टर होते टेकन इन ऑर्डर ता मैंने गोटे डायरेक्शन एक रकम करके मुझे एपटर इंती नहीं ये दुटा को मिसेले से कुछ उत्तर कौटा हे बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल से कुछ त्रिभुजर तृतीय बाहूटा हम तार उत्तर किंतु यार डायरेक्शन जे आड़े ता डायरेक्शन तार उल्टा हे एटा मुपटे एमती नहीं डायरेक्शन या डायरेक्शन टा एपटे है तेणु से कुछ यही दुटा जी दुटा भेक्टर होते जुग कले उत्तरटा हम तृतीय बाहू एवं यार डायरेक्शन टा तार मेन एम डायरेक्शन जे आड़े हो तार उल्टा हे तेणु आम यही केस्र बाहर करवा तार मैग्नीच्यूड के डायरेक्शन क्या तेणु या को लेकिन बर्तमान गोटे सामांतरिक क्षेत्र कनि एटा बी मैंने एटा बी एटा को एमती बढ़ेली तार लंब यार Thank you.
वर्तन देखो, हियर एम एन एंड एन पी, एम एन एन पी आर द टू वेक्टर्स, ये दुटा हूँ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। एटा गोटे त्रिभुजर दुटा पाखापाखि बाहु। नाउ कंसीडरिंग ए एंड बी एट द टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, एवं ए दुटा को गोटे सामांतरिक क्षेत्रर दुटा बाहु रूपे गणना करी द पैरेललोग्राम एम एन पी क्यू इज कम्प्लीटेड। एम एन पी क्यू इमती गोटे पैरेललोग्राम आंकले। नाउ ए नॉर्मल इज ड्रोन फ्रॉम द पॉइंट पी टू द एक्सटेंडेड वेक्टर एम एन। से कहु पी बिंदु गोटे लंब टाण, एम एन को बढ़ा एवं तापर गोटे लंब टाण जी कि एक्सटेंडेड वेक्टर को ओ बिंदु रे छेद कर पी एन ओ एंगलटा को थीटा बोली धरले। एवं डेफिनेशन किस कहे ना जदि एम एन आउ एन पी दैट इज ए आउ बी जदि दीटा पाखापाखि वेक्टर हो गोटे त्रिभुजर तबे तार तृतीय बाहुटा हम से रेजल्टा। तेणु रेजल्ट हूँ एम पी सेटा हम तार तृतीय बाहु। आउ एटी लिखले पी एन ओ इज इक्वल टू थीटा ये लिखिद एंड एम पी इज इक्वल टू आर, एम पी इज इक्वल टू आर यटा को आम धरले आर। ना कंसीडरिंग द ट्रायंगल एम ओ पी, ना कंसीडरिंग द ट्रायंगल एम ओ पी, एम ओ पी त्रिभुजर एम पी रो स्क्वायर ज्योमेट्री, एम पी रो स्क्वायर इज इक्वल टू एम ओ स्क्वायर प्लस ओ पी रो स्क्वायर, एम ओ रो स्क्वायर प्लस पी ओ रो स्क्वायर। और एम पी टा आम लिखुचे आर, तार मैग्नीट्यूड होला आर, तेणु आर स्क्वायर इज इक्वल टू एमओ हैला एम एन प्लस एनओ, एम एन प्लस एनओ रो स्क्वायर प्लस पीओ रो स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन रो स्क्वायर प्लस एनओ रो स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू एम एन एन टू एन ओ टू ए बी प्लस पीओ रो स्क्वायर इक्वेशन वन। नाउ कंसीडरिंग द ट्रायंगल पी एन ओ, नाउ कंसीडर ट्रायंगल पी एन ओ साइन थीटा है पी बाई एच, थीटार सम्मुखीन बाहर पी तेना पीओ, नब्बे डिग्री सम्मुखीन कल एच पीएन, तेणु पीओ बाई पीएन, पीओ बाई पीएन, तेणु पीओ बाई पीएन है तुम बी मैग्नीट्यूड मु तेणु डायरेक्शन दौनी एटा मैग्नीट्यूड बाहर करुच्ची, तेणु पीओ इज इक्वल टू बी साइन थीटा इक्वेशन टू। सिमिलरली
एंड कोस थीटा सही त्रिभुज पी एन ओ साइन थीटा इज इक्वल टू एंड कोस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच तेणु एन ओ बाई पी एन तेणु एन ओ बाई पी एन हला बी और एन ओ इज इक्वल टू बी कोस थीटा इक्वेशन थ्री। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन टू एंड थ्री ऑन इक्वेशन वन वी कैन राइट दुई रन मूल्य को एक पुट कर तेणु आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन स्क्वायर एम एन टा एम एन है ए स्क्वायर प्लस एनओ एनओ ये बाहर कर दीचे बी कस थीटा बी कोस थीटा रो स्क्वायर प्लस टू एम एन एनओ हला बी कोस थीटा प्लस पीओ रो स्क्वायर पीओ हला बी साइन थीटा रो स्क्वायर और आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए पी कोस थीटा और आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए पी कोस थीटा बिकॉज कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन और आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा दिस इज द रिजल्टेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा मगुरु कही वेक्टर क्वांटिटी क्या कहा जाए ना द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर तेणु ए दुईटा को जुग कले आ बाहर किंतु तार डायरेक्शन के आड़े तेणु डायरेक्शन पाइबापी आम विभिन्न वे अवलम्बन करपर केस वन आम धर कले धर जाऊ यहाँ भूमि सहित तो फाइव डिग्री कोण करके जाणु एम पी ओ त्रिभुजर केस वन कले ना कन्सीडरिंग द ट्रेंगल एम पी ओ एम पी ओ साइन थीटा हो तो पी बाई एच तेणु पी ओ बाई एम पी पीओ बाई एम पी पीओ
हला बी साइन थीटा बाय एमपी हला आर और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स बी साइन थीटा बाय आर एटा करी पारि किंबा और कंसीडरिंग द ट्रायंगल एमपीओ एटा केस टू रो भी करी पारो कंसीडरिंग द ट्रायंगल एमपीओ टेन थीटा एटा सॉरी साइन फाइ कंसीडरिंग द ट्रायंगल से गुटा साइन थीटा नुहे साइन फाइ कंसीडरिंग द ट्रायंगल एम पी ओ से एंगल ट्रायंगल टेन फाइ टेन फाइ इज इक्वल टू पी बाय बी पी ओ बाय एम ओ पी ओ एम ओ है एम एन प्लस एन ओ तेणु पीओ है बी साइन थीटा एम एन है ए प्लस एन ओ है बी कॉस थीटा बी कॉस थीटा और फाइ इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा टेन इनवर्स बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा तेणु तुम्हें केस वन तेन केते डिग्री कोण कर रेजल्टा भूमि सहित जाटा केस वन बाटे कर पार कि केस टू बाटे भी करी पारो कि केस थ्री रो लामीज थ्योरम पकेकि भी करी पारो लामी थ्योरम टा किसो जे लामी थ्योरम हला एटा जदि गोटे त्रिभुज हेइथिबो ধর এ বি সি যদি গোটে ত্রিভুজ হয়ে থাকে এ গুণ আলফা বি গুণ বিটা সি গুণ গামা হয়ে থাকে তবে আমি লিখিপার যে বি সি বি সি বাই সাইন আলফা ইজ ইকুয়াল টু ए सी बाय साइन बीटा इज इक्वल टू ए बी बाय साइन गामा एटा होला लामी थ्योरम एटा को नहीं कि आमे ए चित्रटा करूचे एटा अछि हमरो आर एटा अछि ए एम एन एटा अच्छे आमर बी पॉइंटा लिखे पी एवं यही कोणटा धरी से थीटा एटा जदि थीटा हुए तेबे ए कोणटा हबो 180 माइनस थीटा এটা যদি থিটা হবে এটা হবো 180 মাইনাস থিটা তেমন এই চিত্রটা মু উঠেকি আনিছি এই অ্যাঙ্গেলটা আমি লিখিছে ফাই তেমন বর্তমান লামিজ থিওরম তার মানে এপ্লাইং লামিজ থিওরম টু এমএনপি
टू द ट्रायंगल एम एन पी एम एन पी ट्रायंगल तेणु आम लिखिदे जेकोसी बाहू तमें पी एन डिवाइडेड बाय ता सम्मुखीन बाहूर साइन तेणु साइन फाइ इज इक्वल टू आर तमें एम पी पाई तार सम्मुखीन है साइन 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा तेणु पी एन टा किस तेणु पी एन है बी तेणु आम लिखिदे बी बाय साइन फाइ इज इक्वल टू एम पी है आर डिवाइडेड बाय साइन 180 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए तेणु साइन थीटा और साइन फाइ इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाय आर और फाइ इज इक्वल टू साइन इनवर्स बी साइन थीटा बाय आर तेणु फाइ इज इक्वल टू साइन इनवर्स बी साइन थीटा बाय आर तामें तुम लक्ष्य कर केस वन जहाँ बाहर करते केस थ्री भी सी बाहर कले तेणु तुम जे कौन जान ला दीटा जदि भेक्टर गोटे त्रिभुजर दीटा पखापाखी बाहू हो तबे तार तृतीय बाहूटा हम तार उत्तर एवं तार मैग्नीट्यूड केते ना फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर युक्त सेकेंड वेक्टर स्क्वायर प्लस टू ए बी कस्थीटार रुट ओवर तेणु रिजल्टेंट हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कस्थीटार रुट ओवर एवं केते डिग्री कोण करके भूमि सहित जाटा तुम्हें केस वन कर पार केस टू कर पार कि केस थ्री कर पार देख एगेन इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री देन देख थीटाटा जीरो डिग्री माने बर्तमान प्रथम केस को आसवन धर एटा गोटे भेक्टर एठ एटा थिला थीटा एटा जो जीरो ही जाउची तामने एई भेक्टर टाइम ती आसिकी ए पटे ही जाउची तेणु थीटा जो जीरो ही जाउची देन आर इज इक्वल टू हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस जीरो रुट ओवर
से केस कले से इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री देन तुम्हारो आठटा ही गला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी कॉस थीटा रो रूट ओवर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस जीरो रो रूट ओवर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस जीरो है वन रो रूट ओवर तेणु ए स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी मैंने ए प्लस बी रो होल स्क्वायर रो रूट ओवर तमें ए प्लस बी तुम जो फास्ट केस रही भेक्टर अनुसार मुझे लिखी थी आर इज इक्वल टू ए प्लस बी किंतु तार मैग्नीच्यूड अनुसार जो लिखी तार मैग्नीच्यूड के आर इज इक्वल टू ए प्लस बी एटा स्केलर फॉर्मूला एटा वेक्टर फॉर्मूला तेणु तार रिजल्टेंट होमती इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एटा गोटे सब केस करदे धर आई डबल आई देन आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा रो रूट ओवर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस 90 और आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर कारण कॉस 90 है जीरो तेणु एटा हो गला जीरो तेणु ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर ट्रिपल आई कले इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री 180 डिग्री माने गोटे एपटे हेले गोटे एपटे तेणु दिस इम्प्लाइज वी नो आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा रो रूट ओवर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस 180 रो रूट ओवर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 180 माइनस वन तेनाली माइनस टू ए बी रो रूट ओवर इज इक्वल टू ए माइनस बी रो होल स्क्वायर रूट ओवर इज इक्वल टू ए माइनस बी मुझे ए माइनस बी हम कि बी माइनस ए भी हो पारे कि जीरो भी हो पारे जदि सामान हम जोटा केस टू रु कही तेणु एटारू भी इमती हो पारे तेज केस थ्री रु आम किस जाने ना जदि दीटा भेक्टर गोटे ट्रेंगल दीटा पखापाखि बाहू होते तेरे तार तृतीय बाहूटा हम तर उत्तर एवं तार डायरेक्शनटा हम जो तीन प्रकार मुझे से प्रकार लिखिद पार कि यार अलग डेफिनेसन भी अच्छी जोटा कि बही फईर ना यार अलग डेफिनेसन भी लिखा दे पारे इफ द सम ऑफ थ्री वेक्टर्स विल बी जीरो देन they will form a triangle then they will form a triangle किंवा तार आहुरी गोटे
डेफिनेशन भी अच्छी इफ द थ्री वेक्टर्स विल फॉर्म ए ट्रायंगल इफ थ्री वेक्टर्स विल फॉर्म ए ट्रायंगल देन दे आर रिजल्टेंट विल बी जीरो. ତାମାନେ ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ସେ କହୁଛି ଏଇଟା ଧର ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇଲେ ଏଇଟା ହେବ ତା ଉତ୍ତର. କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ, ତେଣେ ଏଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର, ତେବେ ତା'ର ରେଜଲ୍ଟଟା କେତେ ହେବ? ତା'ମାନେ ୟାର ରେଜଲ୍ଟଟା ହେବ ଫ୍ରମ୍ ଦି ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭେକ୍ଟର ଟୁ ଦି ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ଲାଷ୍ଟ ଭେକ୍ଟର. ତା'ମାନେ ତିନିଟା ଭେକ୍ଟରର ସମଷ୍ଟି, ସେ କହୁଛୁ ଇଫ୍ ଦି ସାମ୍ ଅଫ୍ ଥ୍ରୀ ଭେକ୍ଟର ୱିଲ୍ ବି ଜିରୋ. ଏ ତିନିଟା ଭେକ୍ଟରର ସମଷ୍ଟି, ତିନିଟା ଭେକ୍ଟର ମାନେ ସେ କହୁଛୁ ଏ ଭେକ୍ଟର, ବି ଭେକ୍ଟର, ସି ଭେକ୍ଟର, ଏ ତିନିଟା ଭେକ୍ଟରର ସମଷ୍ଟି ଯଦି ଜିରୋ ହୋଇଥିବ ତେବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ. ସେ କହୁଛୁ ଏଇରକମ ତିନିଟା ଭେକ୍ଟର ଯଦି ହେଇଥିବ ତେବେ ତା ରେଜଲ୍ଟ ହେବ ଜିରୋ. ଜଷ୍ଟ ଉଲ୍ଟିକି କହିଲେ ଇଫ୍ ଥ୍ରୀ ଭେକ୍ଟର୍ସ ୱିଲ୍ ଫର୍ମ ଏ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ, ଯଦି ତିନିଟା ଭେକ୍ଟର ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବେ ଦେନ୍ ଦେ ଆର୍ ରେଜଲ୍ଟେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ଜିରୋ. ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟଟା ଜିରୋ ହେବ. ତେଣୁ ତିନିଟା ଭେକ୍ଟରର ରେଜଲ୍ଟ ଯଦି ଜିରୋ ହେଉଥିବ ତେବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବେ, ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ତ୍ରିଭୁଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଜିରୋ ହେବ. ତେଣୁ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ ଲର ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନିଟା ଡେଫିନେସନ୍ କହିନି. ଗୋଟେ କହିନି ଇଫ୍ ଟୁ ଭେକ୍ଟର୍ସ ଆର୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦି ଟୁ ଆଡ଼ଜାସେଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ ଟେକେନ୍ ଇନ୍ ଏ ଅର୍ଡ଼ର୍, ଦେନ୍ ଦେ ଆର୍ ରେଜଲ୍ଟେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦି ଥାର୍ଡ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ ଟେକେନ୍ ଇନ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍. ଇଏ ହେଲା ମେନ୍ ଡେଫିନେସନ୍, ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ା ଅଲଗା ଇଏର ପଡ଼ିବ, କିଛି କିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ପଡ଼ିବ ଏଇ ଦୁଇଟା ଡେଫିନେସନ୍, ଯେ ଯଦି ତିନିଟା ଭେକ୍ଟରର ସମଷ୍ଟି ଜିରୋ ହେଉଥିବ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବେ, ଆଉ ଯଦି ତିନିଟା ଭେକ୍ଟର ତ୍ରିଭୁଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ବି ଜିରୋ ହେବ. ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କିସ, ଯେ ସ୍କେଲର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଭେକ୍ଟର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସ୍କେଲରକୁ କେମିତି ଯୋଗ କରାଯାଏ, ଭେକ୍ଟରକୁ କେମିତି ଯୋଗ କରାଯାଏ. ତେଣୁ ଭେକ୍ଟରକୁ ବିଭିନ୍ନ ମେଥଡ଼ ଅଛି. ପ୍ରଥମ କେସ୍ ମାନିଲ କହିନି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ସେଆଡ଼ୁ ଅପୋଜ୍ କରିକି, ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଶେଷରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର ଯଦି ଯାଇଥିବ କେମିତି ତୁମେ ଆମେ ଯୁଗ କରିବା. ତେଣୁ ଆହୁରି ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ପଲିଗନ୍ ଲ ଅଫ୍ ଭେକ୍ଟର, ପ୍ୟାରାଲେଲୋଗ୍ରାମ୍ ଲ ଅଫ୍ ଭେକ୍ଟର, ତାପରେ ଡଟ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, କ୍ରସ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେଲେ ହେବ. ତେଣୁ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କହିନାହିଁ, ୟା ପରେ ମୁଁ ପଢ଼େମି ଯେ ପ୍ୟାରାଲେଲୋଗ୍ରାମ୍ ଲ ଅଫ୍ ଭେକ୍ଟର୍ସ, ସେଇଟା ପରେ ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ. ତେଣୁ କମିଂ କ୍ଲାସ୍ର ମୁଁ ସେଇଟା ପରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ଯିଏ ବୁଝିଛି ସେଇଟା ସିଏ ଇଜିଲି ବୁଝିଯିବ, ପ୍ୟାରାଲେଲୋଗ୍ରାମ୍ ଲ ଅଫ୍ ଭେକ୍ଟର୍ସ ପୁରା ଏକାଭଳିଆ, ବାକି ତାହାରି ପରେ ଆମର ସ୍କେଲର ଭେକ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ. ତେଣୁ ତୁମକୁ ତା ଭିତରେ ପଢ଼େଇଲା ଭିତରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିମି, ଲାଷ୍ଟକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁହାଯିବ ଏବଂ ତା ଆନ୍ସର୍ ବି ତୁମକୁ ଦେଇ ଦିଆହେବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାକୁ ଘରେ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ. ମୁଁ ତ ବୁଝେଇମି, ତୁମେ ବି ଘର ପାଖରେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ. ତା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ହୁଏତ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ନେଇକି ଆଉ ଥରେ ବି କହିମି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଟିକିଏ କଷ୍ଟ. ତେଣୁ
आउ टिके मु पढ़े था कि जेहेतु रज संक्रांति आसुच्छी ता भितर तुम्हें अधिका पढ़ी पार्वनी से मु आउ कहली ना ये रहिला नेक्स्ट क्लास को मेंटली प्रिपेयर होइतबो तापर क्वेश्चन फुश्चन आम डिस्कसन करवा रोची।